मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें तुमसे मैंने पूछा था कि मुझे आइडियाज दो कि किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। उस पे एएम आर्ट्स ऑफिशियल ने कहा कि भाई क्रॉस के एग्जांपल सॉल्व दिखाओ, तो आज हम एडवांस क्रॉस के एग्जांपल सॉल्व देखने वाले हैं। बट अगर तुम लोगों को एडवांस क्रॉस नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, पहले वो देखो फिर ये देखना। हैंड स्क्रैम्बल करने वाले हैं, कोई भी कंप्यूटर स्क्रैम्बल नहीं मैं करने वाला। आई थिंक बहुत है यार। तो ये है हमारा सबसे पहला स्क्रैम्बल जो कि अगर मेरे पास आता, ये तो ठीक है ना, इसके हम बात नहीं करेंगे। ये रहा ग्रीन, ये रहा ब्लू और ये रहा रेड। अगर मेरे पास ये स्क्रैम्बल आता तो सबसे पहले मैं रेड और ब्लू को कुछ इस तरह सॉल्व करता और ग्रीन इंसर्ट करके एक दफ़ा डी प्राइम मूव करके जब इसको वापस करता तो मेरा क्रॉस सॉल्व हो गया होगा और उसके बाद मेरा ये पेयर भी फ्री मिल गया मुझे और मैं अपने बाकी के क्यूब को सॉल्व कर लेता। चलते हैं अगले एग्जांपल सॉल्व की तरफ। हाँ यार ये भी काफी ही अच्छा एग्जांपल सॉल्व होने वाला है। ब्लू रेड ऑरेंज इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक मूव की मार है। तो ऑरेंज से पहले आपको पता है, सॉरी ब्लू से पहले आपको पता है ऑरेंज आता है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज इंसर्ट करके जब इन दोनों को अलाइन करूँगा ठीक से, लास्ट पे मेरा सिर्फ एक मूव होना है और मैं अपना सॉल्व कर लूँगा पूरा क्यूब। चलते हैं अगले एग्जांपल सॉल्व पे। हाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है और मज़ा भी आएगा। बात ये है कि अगर ये स्क्रैम्बल मेरे सामने आता तो आपको पता है ब्लू और ग्रीन दोनों ऐसे रखें तो ग्रीन के बाद तो ऑरेंज आता है, तो एक दफ़ा मैं ये मूव करके यहाँ से इन दोनों को नीचे कर सकता हूँ। ब्लू ग्रीन और ऑरेंज ठीक लग गए और ये है मेरा लास्ट पीस, तो इसको एक ट्रिगर से मैं सॉल्व करूँगा जिससे मेरे ये अलाइन भी हो जाएंगे। यार तुम लोग मूव्स देख लो, नोटेशंस वगैरह तुम्हें पता है हमें नहीं आते होते, कुछ इस तरह। और ये मेरा क्रॉस सॉल्व, मुझे पता है ये शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांस हो बट मैं अगर ये मेरे सामने सिचुएशन आए तो ऐसे ही सॉल्व करता हूं। चलते हैं अगले सॉल्व की तरफ। भाई ये ऑरेंज है ये रेड है, ये तो एक मूव से ठीक लग जाने वाले हैं और मज़ीद यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा भाई ये थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों भी ऑलमोस्ट ठीक ही हैं बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला, ऑरेंज पहले ही लगा हुआ है, यहाँ से मैं L2 मूव लूँगा और यहाँ पे ग्रीन को इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरह, क्योंकि रेड ग्रीन ऑरेंज ठीक हो गए। एक दफ़ा ये मूव करके जब इसको इंसर्ट करूँगा तो मेरा क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं वो सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर मेरे सामने ये टाइम सॉल्व में केस आते तो मैं इस तरह सॉल्व करता। चलते हैं अगले स्क्रैम्बल की तरफ। बहुत अच्छा केस है, बहुत ही अच्छा केस है। ब्लू को एक दफ़ा इधर करके रेड और ग्रीन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ऐसे और ऐसे, तुम लोग समझ जाओ। और ये लास्ट वाला जब हम ग्रीन इंसर्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा वो भी। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ब्लू को हमने इधर किया, ब्लू के बाद आना है रेड। रेड इंसर्ट करते हुए जब हम ग्रीन इंसर्ट करेंगे ऑरेंज यहाँ आ गए, इसको इंसर्ट करके स्मॉल यू प्राइम और हमारा क्रॉस सॉल्व। चलते हैं यार अगले एग्जाम्पल सॉल्व की तरफ। दो और एग्जाम्पल सॉल्व देखेंगे फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। अच्छा अगर तो तुम में से किसी को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है उसको एडवांस क्रॉस बनाना नहीं आता, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो देख लेना तुम समझ जाओगे ठीक है। यहाँ से मैं इसको कैसे सॉल्व करने लगा, रेड ब्लू तो F2 करना तो वो ठीक जगह पर आ जाएगा ना ऑरेंज। बट एक चीज़ गौर से देखना, जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ऑरेंज को भी मैं साथ ही इंसर्ट कर सकता हूँ और ये तीनों ठीक जगह पे आ गए। ग्रीन को मैं यहाँ बैक में इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरह, मैं फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे जाना है इस ग्रीन ने, तो मैं क्या करूँगा
और लास्ट मूव मेरा डी प्राइम और ये मेरा सॉल्व क्रॉस। मैं ये टेक्निक बहुत दफ़ा यूज़ करता हूँ, जो मैंने आखिरी ट्रिगर अभी तुम लोगों को करके दिखाया, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगला हम लेते हैं एक एक लास्ट वाला, इसको स्क्रैम्बल करते हैं खुला। हाँ भाई हाँ बेहतर है। चलो ये ऑरेंज की हम अभी बात नहीं करेंगे, रेड ब्लू और ग्रीन। तुम लोगों को पता है ग्रीन को मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा, रेड को करूंगा, ये दोनों ठीक इस वक्त पोजीशन पे हैं। एक दफ़ा D2 करके ब्लू को इंसर्ट करके जब अलाइन करूंगा तो ये तीनों अलाइन हो जाएंगे। और लास्ट वाला आप लोगों को पता है वैसे ही था, जिसकी हमने बात नहीं थी करनी। L2 प्राइम करूंगा और अपना बाकी क्यूब सॉल्व कर लूंगा। और इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इस वीडियो से अगर कोई एक नई चीज़ सीखी है ना तो लाइक कर देना यार, अगर कोई एक चीज़ बस, ज़्यादा नहीं। लाइक शेयर कमेंट, शेयर कमेंट हाँ, सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकन को भी दबाना है भाई। मुझे नहीं पता, ये काम करो यार। गुड बाय यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।